हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आप लोग को रांची के टॉप 10 पंडाल दिखाएंगे और इस बार रांची में बहुत ही ज़्यादा यूनिक यूनिक पंडाल बना है। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो में पूरा पंडाल दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए, पूरा पंडाल का पता चल जाएगा कि रांची का कौन सा पंडाल सबसे अच्छा है, कौन सा नंबर वन पे। तो वीडियो में बने रहे गाइस, पूरा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। टॉप 10 के अंदर आ रहा है गाइस दीपाटोली का पंडाल, जो कि तिरुपति बालाजी भगवान के थीम के ऊपर बनाया गया है। ये पंडाल का थीम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। पंडाल में के अंदर आप लोग को देखने मिलेगा भगवान श्री कृष्ण, जो कि कालिया नाग के ऊपर डांस करते हुए, उसके बाद समुद्र मंथन, सब चीज़ को कलाकारी को दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध है, सब चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। बहुत ज़्यादा यूनिक है और ये पंडाल टॉप 10 के अंदर आ रहा है, जो कि दीपाटोली में स्थित है, जो रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और इस पंडाल का जो लागत है, इस बार गाड़ी खाना चौक के पास आप लोगों को चंद्रयान 3 देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस पंडाल का काम पूरा नहीं हुआ है, आज इसका 20 इस पंडाल का थीम है हाथी, और हाथी में देख सकते हैं हाथी कितना बड़ा बड़ा है, और इसमें जो सूंड है, इससे सूंड से पानी लेके फेंकेगा, कितना ज्यादा यूनिक पंडाल। पंडाल को बनाया गया है साउथ के कल्चर के ऊपर, पूरा जो साउथ इंडियन है उसके कल्चर को दर्शाया गया है। इसके कलाकारी देखने लायक है। ये बूटी मोड़ के पास स्थित है, ये रांची रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तो ये पंडाल का नज़ारा देखने के लिए आप लोग आइए, क्योंकि बहुत इसका कलाकारी। रेलवे स्टेशन का पंडाल, इस पंडाल का खूबसूरती कुछ अलग ही है, और हर साल रेलवे स्टेशन कुछ अलग और अलग हट के पंडाल बनाते हैं। इस बार इस पंडाल का थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पंडाल कितना ज़्यादा यूनिक है वो बाहर से आप लोग को देख सकते हैं, और अंदर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही यूनिक तरीके से। खोपाया में बेधे देव हलूद सोना झुरी दुपुर देव झुम
गाइस अब आ चुके हम लोग मांगना स्कूल जो कि OCC क्लब के द्वारा बनाया गया है। ये पंडाल का जो थीम है वो रंगोली है और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है देख सकते हैं। इसमें जो रोड में है रोड में भी रंगोली टाइप से बनाया गया है और इसका पंडाल का थीम ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। रात में लाइटिंग में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देख सकते हैं पंडाल। ये पंडाल टॉप 5 के अंदर आता है और बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया है। इस पंडाल का लागत बता देते हैं गाइस, इस पंडाल का जो लागत है वो लगभग 40 से 35 लाख लागत है इसका बनाने में इसका खर्च हुआ है। अब गाइस आ चुके हैं टॉप 4 के पंडाल जो कि रातू रोड में स्थित है। ये पंडाल जो बनाया गया है वो भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ऊपर बनाया गया है। ये पंडाल का रात में नज़ारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है और इसका लाइटिंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जितना भी भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा है उसके ऊपर इसको बनाया गया है। इसकी जो लागत है इसकी लागत है लगभग 40 लाख और ये पंडाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और रातू रोड में हर साल एक नया और एक यूनिक पंडाल बनाते हैं और इस बार भी कुछ हटके बनाए हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब गाइस आप लोग को दिखाते हैं टॉप 3 पंडाल जो कि मेन रोड में स्थित है। ये पंडाल बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बाहर से देख सकते हैं पूरा जो भारत का मैप है उसको दर्शाया गया है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। उसके बाद अंदर घुस और इसका यूनिक थीम एक बड़ा सा माता जी का मूर्ति भी लगा है, बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है और रात में इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही लग रहा है तो देख सकते हैं। और इसमें साइड में प्रोग्राम भी हो रहा है तो सबसे ज़्यादा यूनिक पंडाल हमको लगा रांची में, ये टॉप 3 के अंदर आ रहा है। तो चलिए आप लोगों को टॉप 2 पंडाल के बारे में बताते हैं।
भाग टू के अंदर आता है हारमू चौक का पंडाल। इस पंडाल का जो थीम है वो स्वामी नारायण मंदिर जो कि अहमदाबाद में स्थित है उसी थीम के ऊपर बनाया गया है। इसका वीडियो है जो देख लीजिएगा, अलग से वीडियो बना दिए। ये टॉप टू के अंदर आ रहा है, यानी रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं इसमें तालाब भी है और बहुत ज़्यादा एकदम मंदिर जैसा लग रहा है, बहुत ही यूनिक से बनाया गया। वन का पंडाल दिखाते हैं बकरी बाजार। बकरी बाजार में गाइस इतना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, पार होने में कम से कम एक घंटा लग गया। ये बकरी बाजार को जो थीम है पंडाल का वो है चक्रव्यूह। ये सबसे ज़्यादा इन्वेक है और राज्य का नंबर वन पंडाल है। इस पंडाल का लागत लगभग 60 से 65 लाख है और इस पंडाल का